मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर रिवाइजिंग लेसन नंबर टू, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, मिक्सचर्स एंड उसके बाद सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमने. आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम. सैचुरेशन, ठीक है, आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कुछ पोर्शन हम ऐड करते हैं, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है और सॉल्यूशन बनता है आपका. जब सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए, आप मान लो एक गिलास पानी है आपके पास, उसके अंदर आप चीनी डालते हैं, एक चम्मच चीनी डालते हैं, दो डालते हैं, तीन डालते हैं, चार डालते हैं, चार चम्मच तक वो डिसॉल्व होती रहेगी, ठीक है. उसके बाद जब आप पाँचवीं या छठी चम्मच डालते हैं तो वो नीचे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या हो गया, सेचुरेशन लेवल आ गया उसका. क्या आ गया, आप उसमें और चीनी घुल नहीं सकते, उसको सेचुरेशन लेवल बोलते हैं. आप पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बहुत एक टाइम आएगा आपका, शाम तक रात हो जाएगी पढ़ते पढ़ते. मान लो आप बीच में थोड़ी देर के लिए भी नहीं उठे, शाम को अगर आप उठते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ अब आपको कुछ लर्न नहीं हो रहा, आपका जो माइंड है वो सेचुरेट हो चुका है. तो सेचुरेशन लेवल होता है कि एक लेवल आ जाता है जब कुछ भी एंटर होना बंद हो जाता है, ठीक है, वो होता है सैचुरेशन लेवल. आपका जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया वो, ठीक है, और सैचुरेशन लेवल आ गया उसका, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. जब ये लेवल जो है सैचुरेटेड सैचुरेशन लेवल जो है वो कम हो जाए, सैचुरेशन लेवल से कम हो, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया. जब आपकी सैचुरेशन सैचुरेशन लेवल से बढ़ जाए, मतलब अगर हम उस पानी को गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी और चीनी घुल जाएगी, तो वो बन जाता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बन जाता है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो क्या बन जाता है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब जो आपका सैचुरेशन, ये था आपका सैचुरेशन का टॉपिक, उसके बाद सॉल्यूशन का टॉपिक खत्म हो चुका है यहाँ पर. उसके बाद नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या मतलब, क्या मतलब होता है, सस्पेंशन होता है हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व. सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, और क्या है, बट सस्पेंडेड, सस्पेंडेड throughout the bulk of the solution, ठीक है, suspended रहते हैं वो. suspend का मतलब क्या होता है, suspend मान लो आपने सुना होगा बहुत बार suspend word, कि particular person को suspend कर दिया गया because of some inappropriate जो reasons होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कोई problem आ गई या उसने कोई घपला कर लिया, ठीक है, कंपनी वालों ने सस्पेंड कर दिया, या फिर पर्टिकुलर एक करप्शन का चार्ज हो गया उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है. तो सस्पेंड का मतलब होता है कि ना तो उसको जॉब से निकाला है और ना ही उसको जॉब पे रखा है, तो मींस उसको स्टेक पे रख दिया, लटका दिया बीच में. तो लटकाने का मतलब होता है सस्पेंशन. जब आपके सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, आप एक चौक लो, चौक का पाउडर पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, डिसॉल्व करो 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 उसको अच्छे से डिसॉल्व करो, खूब घोलो और खूब आप उसको डिसॉल्व करोगे, रोटेट करोगे, स्टर करोगे, ठीक है, क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब आप उसको रख दोगे, रखने के बाद क्या होगा, वो बैठ जाएगा नीचे, ठीक है. यानी कि जो पार्टिकल थे वो सस्पेंड रहे, बीच में रहे, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हुए, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, तो वो क्या हो गया आपका, सस्पेंशन. सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो सस्पेंड रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है, उसका जो पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा होता है,
ठीक है, पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा होता है। एक तो ये क्या होता है, हेटरोजीनियस इन नेचर, हेटरोजीनस इन नेचर हेटरोजीनियस होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, 10^-7 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा आप स्कैटर कर, क्योंकि जैसे हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कि उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, ठीक है, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता। तो क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, इट कैन बी सीन ईजीली, उसको हम इजीली नेकेड आई से देख सकते हैं। चॉक पाउडर को पानी में डिजोल्व करोगे इजीली देख सकते हो ना आप उसको, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मान लो ये आता है, वो सस्पेंशन की बात कर रहे हैं ना, पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो स्कैटर, तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर बीम ऑफ लाइट, लाइट को क्या कर देते हैं, ये स्कैटर कर देते हैं, मतलब इसके अंदर जब लाइट एंटर करती है तो लाइट को ये फैला देते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, लाइट इससे टकरा जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेटल डाउन, सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, हम उसको जब अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने अभी बताया आप चौक के पाउडर को डिसॉल्व कर रहे हो, करने के बाद जब उसको छोड़ देते हो अनडिस्टर्ब, उसको छेड़ते नहीं हो, तो वो क्या क्या होगा कि जो आपके पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं काफ़ी बड़े होते हैं और विजिबल होते हैं इजीली, ठीक है। और क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं, इसको आसानी से इजी कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं इसको, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्ट्रेशन होती है ना जो, उससे भी हम इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन इजीली, बहुत आसानी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सस्पेंशन क्या था, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट पार्टिकल कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते और क्या होते हैं, सस्पेंड यानी कि थ्रू आउट द बल्क वो घूमते रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं, ना वो डिजॉल्व होते हैं, हमें आसानी से दिखाई देते हैं, ठीक है। हेटरोजीनियस इन नेचर होता है, हेटरोजीनियस मतलब उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पार्टिकल का, ठीक है। कहीं अगर चौक नीचे बैठ जाए तो नीचे वाले जो पानी है उसमें चौक का टेस्ट आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा, ठीक है। और 10^-7 मीटर उसके पार्टिकल का साइज़ होता है, विच इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी सीन ईजीली विद नेकेड आइज, विद नेकेड आई, इसको आप आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं, आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं, इसका मतलब यानी कि पार्टिकल साइज़ बड़ा है, हमें आसानी से क्लियर दिखाई देगा, चौक का बॉर्डर तो क्लियर दिखता है हमें पानी के अंदर, उसके जो पार्टिकल घूम रहे होते हैं, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर करते हैं, ठीक है, उसको फैला देते हैं, जैसे ही लाइट उसे टकराती है वो फैल जाता है, ठीक है। सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, उसको हम जब अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं वो सेटल डाउन हो जाता है, वो बैठ जाते हैं पार्टिकल नीचे। उसके बाद आता है सेपरेशन में, सेपरेशन, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन इजीली, हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सस्पेंशन, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अभी सेचुरेशन, सेचुरेशन हमने डिस्कस किया था, सेचुरेशन सॉल्यूशन, सेचुरेशन क्या होता है कि जब आपका सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए। तो आज हमने सेचुरेशन और सस्पेंशन डिस्कस किया है। सेचुरेशन में हमने क्या किया था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तब वो लेवल आ जाता है कि इस लेवल के बाद और सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन सॉल्यूशन, कि वो अब सेचुरेशन लेवल आ चुका है। अब सेचुरेशन लेवल से ऊपर जब आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, मतलब अगर हम उसको हीट देते हैं या और किसी तरह का फोर्स लगाते हैं सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, वो होता है आपका सुपर सेचुरेशन सॉल्यूशन। और अगर सेचुरेशन लेवल से नीचे है आपका सॉल्यूशन तो वो आता है
लो लेवल ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, सेचुरेशन से कम होता है, और हाई सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सेचुरेशन लेवल से नीचे, और सेचुरेशन लेवल जब आ गया है तो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करना है आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।